मौजी तो यार देखा लो मेरे को तू कल कल कराएगी मानो भाई बाहर खाते तो लाइक मानो जब भी ओ हे व्हाट्स अप वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग लॉन्ग टाइम बाद बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम बाद तो हम दोनों भाइयों ने ना सबसे पहले आपको एक गुड न्यूज़ देते हैं। हम दोनों भाइयों ने ना एक छोटा सा टैटू गुदवा लिया। देखिए हम दोनों में कितना प्यार है लोगों पर। इसने चिपटी सा गुदवाया, मैंने अच्छा गुदवाया। हम दोनों सारे काम करते हैं, अच्छे करते हैं। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? देखो हमारे टाइल्स पर अलग ही सीन है। अलग देखो चल दिए। कहाँ जा रहा है भाई? घर। भाई देखो गाड़ी गाड़ी हमेशा गंदी रहती है, अब तो आज साफ है यार। आओ तो गाड़ी में बस दो ही काम मिलते हैं मुझे, एक तो ये बस ये और ये, समझ रहे हो ना? ये मुझे ऐसा लगा टायर पंचर हो गया क्योंकि गाड़ी ना उधर की साइड हो रखी है। यस टायर पंचर हो गया भाई, टायर पंचर। तो अभी पहले टायर चेंज करते हैं, वेट करो। हमारी ज़िंदगी खराब है। आपको एंड आपकी फैमिली को आपके छोटे भाई की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी मेरी बहन मुझे अपना भाई मानती है उन सबको हैप्पी रक्षाबंधन। तो अभी मेरी छोटी वाली बहन मेरा सच्चा प्यार और ये कार को राखी बांध रही है और ये करता है मतलब गाड़ी पर ये लिखता है माया पाया। बंद गई हाँ? पैसे देने पड़ेंगे सर। फोन पे कर दूंगा मैं। देख चप्पल उतार के भाई का था इज्जत से। वहाँ मैं उसे चाबी रखी होगी, नीचे निकाल लियो। तो गाइस अभी के लिए कार में राखी बन चुकी है, अभी हमारे हाथ सूने रह गए हैं। अभी पहले हम दोनों बहन भाई अपने एक दूसरे के राखी बनवाएंगे। हैं तू बंधवा गई मुँह पर? तो अभी ये बांधेगी ना, उसके बाद एक जी जा रही है प्रकटी। तो उसके बाद पहले अपना करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे, फिर ससुराल जाएंगे, फिर ससुराल में राखी बांधेंगे। नहीं अरसू जाएगी और वो राखी बांधेगी। तो रुको पहले अपने बनवाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। कुकी का राखी नहीं बांधेगा कोई हमारी के? चलो कोई नहीं, मिलता हूँ गाइस। मौजू तो यार देखा लो मेरे को तू कल कराएगी मानो भाई बाहर खाते तो कराएगी मानो जब भी देखो कुकी के कोई करा गई। तो गाइस फाइनली बहन को आशीर्वाद दे रहा हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं सीन में सिस्टर बहुत प्यार है। अरे पैसे के चक्कर में पैसे लेने के चक्कर में बदले ये तो दुनिया उड़ा ना। मैं यार मुझे प्यार चुप गया ये इतना मत। ओ हेलो तो घर में ओ भैया पैसा भी ओ इधर ही आ रहे मेरे चिंता नहीं आया इधर ही आया। तो गाइस फाइनली आज इतने से मैं कट चुका हूँ, इतने से कट गया आज मैं। तूने सुबह आके काट दिया मेरे को है। ओह इतनी दया कैसे? अभी तो एक और है यार, अभी तो एक और बांधेगी और ये मटरा रही है फालतू में। तो पहले अभी ने एक एक छोटी बहन और है मेरी, पहले उससे बनवाता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। जस्ट वेट प्रभे। तो गाइस कभी कभी ना मुंह मीठा करने के चक्कर में पूरा फीका हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है पता है आप लोगों को। अब जब हम ठग गए हैं दोनों के दोनों चल सुन ले ये बता कहां का पहले मेरे मुंह नो मैं तू ले कितना कमी तब तू ले सो ऐसा आज तो पूरा ना ऐसा बात कर रहा। फाइनली घर से निकल चुके हैं, अरसू के पास जा रहे हैं अभी के लिए है ना, उसके लिए राखी वगैरह ले लिया और चल रहे हैं। ऑन द वे हैं अभी ना, थोड़ा पेट्रोल डलवा लूँ क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है ना। गाड़ी में जैसे ही पेट्रोल डलवाते हैं फिर निकलते हैं सीधे। और फिलहाल मैं पेट्रोल पंप पे हूँ, गाड़ी में रेड रेड नहीं येलो
येलो लाइट जल्दी से बंद कराते हैं है ना, और पेट्रोल डलवा के फिर सीधे। ये मेरे भाई हैं, ये हमेशा पेट्रोल डलवाता हूँ इनसे ही आके। हेलो, और एक वो दीदी हूँ उनसे। और भैया आपको कैसा लगता है मेरे ब्लॉग देख के? थोड़ा बहुत भैया बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग भाई और बहन जितनी भी है सब फॉलो कर लो, रक्षाबंधन का प्यार दे दो और जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर करा दो। सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भैया की तरफ से भी मिल गई, मेरी तरफ से तो मैंने आपको दे ही दी है ना। तो अभी भैया से थोड़ा सा काम है, वो करता है, फिर निकलते हैं यहाँ से सीधे। आरती कुंजर बिहारी की, एक बार की कीमत तुम क्या जानो लोग, और टूटी मार रही कैसे। तो वीडियो बननी है, वीडियो में अरे फोटो खींच लो, एक उसी में से फोटो है इतनी जरूरत नहीं है, थोड़े दे दे, थोड़े थोड़े कर दे। हो गया उसका, उनको बर्फी चल रही है यहाँ पे, जा ठूस ले पूरी जी रखी है, और जी जा जी देखो और भांजरा तू मोटा हो जा, यार सूखी हड्डी सी हो गया हॉस्टल में, ये अभी भी मोटा नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए इसका? मेरा इसका नहीं, तू तो सही है, इनके ही अलग दवाई, तू तो लगता है कि हाँ मामा का भांजा है, ये सही है, ये नहीं लगता मामा भांजा। अरे सही है, 12 साल की उम्र में भी ऐसा ही था, देखा जाए तो ये ज्यादा परफेक्ट है, ये बहुत सही निकलेगी किसी की। कुछ कहना चाहोगे सर, एस्थेटिक कपड़े आप कुछ कहना चाहोगे? ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वाइट कर दूंगा उसको, गाइस मिलते हैं दोनों, लव यू।